ये रिश्ता क्या कहलाता है, I love you Nair, ये रिश्ता क्या कहलाता है, I love you। फोन होगा हाँ माँ। I'm so sorry, मैंने सुबह सुबह तुम्हें डिस्टर्ब कर लिया। पहले मुझे लगा कि मैं बाद में तुम्हें फोन करूंगी, लेकिन फिर लगा तुम कॉलेज निकल जाओगे, बस इसलिए। और बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, पापा से बुखार तो नहीं आया ना, और मौसम तुम्हें सूट कर रहा है ना वहाँ पे? हाँ माँ, पर वो क्या हुआ है कार्तिक, सब ठीक तो है ना? देखो अगर होटल नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे बताओ, मैं अभी के अभी चेंज करवा देती हूँ, क्योंकि तुम्हें थोड़े दिन वहीं पे रहना है ना। माँ पर मुझे लेक्चर्स नहीं लेने माँ, वहाँ कॉलेज में वो एक्सक्यूज मी मैम, आपका जूस ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे आप? तुम कुछ कह रहे थे, क्या हुआ है? यही बोल रहा था माँ कि मुझे लेक्चर्स नहीं लेने, यहाँ मुंबई में वो क्या हुआ माँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस वो जूस गिर गया। तुम बोलो वहाँ पे सब ठीक है ना? कुछ स्टाफ या स्टूडेंट्स ने किसी ने बदतमीजी की तुम्हारे साथ? हाँ उसने मेरे शुभम को मुझसे छीना, उसे कोई हक नहीं हो मेरी जिंदगी में वापस आए, कोई हक नहीं है उसे, कोई हक नहीं है। नहीं नहीं माँ वो वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको बाद में बताता हूँ ना, रेडी हो जाता हूँ फिर आपको कॉल करता हूँ। जल्दी से रेडी हो जा तो, वरना फिर से फ्लाइट मिस हो जाएगी। टीम का मैसेज। हाय नायरा। हाय स्टीव। सॉरी और थैंक यू भी मुझे गिरने से बचाने के लिए। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मन तो लव लेटर देने का था। कॉलेजेस की लिस्ट है। तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम्हें वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो मैंने ये लिस्ट बनाई है। बेटा मैंने बताया सुधीर को कि तुम इंपीरियल कॉलेज छोड़ना चाहती हो ताकि ये कॉलेज सजेस्ट कर सके। बट नायरा बेबी, मैं पूछा बिल्डिंग में बहुत लोगों से, वो लोग बोला कि वो कॉलेज तो बहुत अच्छा है, वहाँ का प्रोफेसर लोग भी बेस्ट है, फिर तुम कॉलेज क्यों छोड़ना? तुम्हें कॉलेज पसंद नहीं आया या फिर प्रोफेसर? जो भी रीजन, मेरी नायरा ने बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लिया होगा। मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, इफ यू वांट मैं फैकल्टीज के बारे में बताऊं आपको? नहीं इट्स ओके, मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, वो जहाँ ठीक से हो मैं वहीं का फॉर्म भर दूंगी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने आपको कॉलेज खुद आना होगा।
ओ मोरे सैया आपको कहीं लगी तो नहीं मिस्टर गोयनका आई होप यू रोके आप ठीक तो हो मिस्टर गोयनका हाँ मैं ठीक हूँ वो सॉरी एक्चुअली वो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया जाने में ही सही बट यू बोथ आर एट फॉल्ट ये आप इतने श्योर होकर कैसे कह सकते हैं कभी कभी कुछ लोग जानबूझकर भी दूसरे को हर्ट कर देते हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा इफ यू एक्सक्यूज अस मिस मिस्टर गोयनका कैन वी गो टू आवर कल क्या हुआ क्लास में सम प्रॉब्लम मुझे पता चला सम स्टूडेंट्स वो बता रहे थे कि जी वो मैं आपको बताने वाला था उस बारे में बट मैं कम इन सर जस्ट अ मोमेंट मैं ये स्टूडेंट से मिल लूं आपकी मेरी बात लंबी होगी उसकी क्लास मिस हो जाएगी कम इन कैसे अकड़ के बैठा है ऑफिस में जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा इसे ना मुझे देख के ना कल की बात से आराम से क्लासेस अटेंड कर रही है जी बोलिए क्या बात करनी थी आपको कुछ नहीं सर इट्स ओके मैं बाद में मिलती हूँ आपसे अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है पक्का मेरी कंप्लेन करने आई होगी और मुझे बैठा देखा तो चली गई जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़ रहा है मैं यहाँ कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार हूँ और वो अकड़ के बैठा है चेयर पे और क्या पता प्रिंसिपल से कह के मुझे निकलवाने ही वाला हो लेकिन ऐसे कैसे निकलवा सकता है मैंने इतनी मेहनत से एडमिशन लिया कॉलेज में और ये उसका घर नहीं है जो यहाँ से मैं निकलवा देगा मैं कॉलेज नहीं छोड़ूंगी मिस्टर गोयनका क्या बात है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है क्या हुआ सब ठीक तो है जी सब ठीक है ऐसी कोई बात नहीं जब उसको नहीं पड़ी तो मैं क्यों परवाह करूं ना तो मैं इस कॉलेज में उसकी वजह से आया हूं ना उसकी वजह से जाऊंगा सॉरी सर वो कल तबीयत ठीक नहीं थी मेरी इसलिए सब मैस हो गया और अब सब कुछ ठीक हो गया आई एम रेडी फॉर माई लेक्चर सर आप मुझे टाइम टेबल दे सकते हैं देयर इट इज़